मणिपुर के इम्फाल ईस्ट के खामिन लोक और पुखाओ संतीपुर इलाके में कुकी और मेती समुदाय के बीच फिर हिंसा भड़क उठी है। मंगलवार यानी 13 फरवरी को हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत और 3 लोग घायल हो गए। इलाके में गोलीबारी लगातार हो रही है, इस कारण मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। हिंसा में मरने वाले शख्स की पहचान 25 साल के सागोल सेम लोया के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घायल हुए लोगों में से एक को पैर में गोली और एक को कंधे में गोली लगी है। सभी अब खतरे से बाहर हैं। घायल हुए लोग मेतेई समुदाय के हैं या कुकी के, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। दरअसल इम्फाल ईस्ट के खामिन लोक में जहां यह घटना हुई वह मेतेई बहुल इलाका है। आपको बता दें इसके पास ही कांगपोकपी इलाका है जो कुकी बहुल इलाका है। दोनों गुटों के बीच पहले भी हिंसा हुई है। हिंसा के बाद का ड्रोन फुटेज सामने आया है, इसमें पहाड़ी पर मौजूद लोग अपने घायल और मृत साथियों को ले जाते नजर आ रहे हैं।